नरसिंहपुर नगर पालिका द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु कॉलोनी एवं वार्डो में पेयजल हेतु बनाए गए सप्लाई टैंक एवं नल वाटर सप्लाई ट्यूबवेल से गंदा जल निकलने के कारण लोगों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। ज्ञात हो कि विगत एक वर्ष से इसी गंदे पानी के कारण नरसिंहपुर शहर में पीलिया अपना घर बसा चुका है, जिसके कारण दर्जनों मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रशासन आंखें बंद कर बैठा हुआ है। दरअसल लोगों के द्वारा सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन पानी की उचित व्यवस्था करने हेतु कोई सार्थक कदम नहीं उठा रहा है और मजबूर होकर लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को उल्टी, दस्त, पीलिया इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ रहा है। गंदे पानी को लेकर धनारे कॉलोनी निवासियों द्वारा कई बार नगर पालिका को लिखित एवं मौखिक रूप से शिकायतें की, उसके बाद भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया और विगत कई महीनों से लोग गंदे पानी को पीने को मजबूर हैं, जिसके कारण बीमारी से ग्रसित होकर उनकी जान को खतरा बना हुआ है और आए दिन लोग नगर पालिका को कोसते रहते हैं। इतना सब होने के बाद भी अब देखना यह है कि नगर पालिका प्रशासन कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा पाती है। वहाँ पे जो गली नंबर 2 में जो ट्यूबवेल है, उसमें शिकायत मिली है कि गंदा पानी लगातार आ रहा है। उसके लिए हमारी तरफ से एक तो उसको बंद करने के निर्देश दे दिए हैं, पर चूंकि वहाँ कुछ स्थानीय निवासियों का ये मानना है कि हाँ वो सप्लाई चालू रहने से लोगों को निस्तार का पानी मिलता रहे, तो इसलिए व्यवस्था ये है कि वो ट्यूबवेल चालू रखा है हमने, और वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय निवासी हैं उनसे हमारा अपील है ये है कि उस पानी का जो है उपयोग केवल वो निस्तार के रूप में करें और बाकी पीने के लिए पानी की जो व्यवस्था है वो नगर पालिका से अभी तात्कालिक रूप से जो टैंकर के माध्यम से हम पीने का पानी उसको कराएं। नरसिंहपुर से नरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।